नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो टाटा आईपीएल का 48वां मैच खेला जाएगा, इस मैच के बारे में जो खेला जाएगा राजस्थान और गुजरात टाइटंस के बीच में। ठीक है, इस मैच के बारे में हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। क्या आपका स्मॉली की टीम रहेगा, क्या जीएल का टीम रहेगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहाँ पे मैच खेला जाएगा और इस मैच में क्या होने वाला है, साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से प्लेयर्स आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, किसको आपको अपने टीम में रखना है और किसको टीम से बाहर करना है, सब चीज़ मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट काम हम आपको अभी बता रहे हैं। देखो, अभी जो है यहाँ पे हम ओपन करके डायरेक्टली यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, विजन 11 जो है आपके लिए डेली यहाँ पे 50,000 का, हर आईपीएल में 50,000, 1 लाख का गिव अवे बिल्कुल फ्री में दे रहा है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे अपना टीम बनाना है और टीम बनाने के बाद में यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे 0 एंट्री फी है, इस पे आपको क्लिक करके अपनी टीम को ज्वाइन कर लेना है। अगर इसमें आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये मिल जाएंगे। और गाइस यहाँ पे देखो, टोटल जो है 1,000 विनर इसमें होंगे। अगर आपका फर्स्ट रैंक नहीं भी आया और इसमें से अगर 1,000 जो विनर है इसमें भी अगर आप रहते हैं तो बिल्कुल आपको फ्री में पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है विजन 11 पे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें यह है कि मेरे दिए गए लिंक से अगर डाउनलोड करते हो, नीचे रेफरल कोड को यूज करोगे तो यहाँ पे आपको 500 रुपये का और बेनिफिट मिल जाएगा, साइन अप बोनस। ठीक है, जिसको आप इस गेम में किसी भी जो आईपीएल का मैच या फिर कोई भी गेम में, आप कोई भी मैच में इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सारे बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस गाइज, यहाँ पे कंपटीशन आपको कम मिलेंगे। देखो, 39 रुपये का मेगा कॉन्टेस्ट है, इसमें कितने लोग खेल रहे हैं, 1,72,345। इतने मेंबर्स में आप विन करोगे तो 5 लाख रुपए आपको मिलेंगे फर्स्ट प्राइज। ठीक है, तो देखो यार, काफी कॉम्पिटिशन कम है यहाँ पे, विनिंग जो है बहुत ज्यादा होती है, विनिंग परसेंटेज जो है बहुत है, तो इसलिए आप यहीं पे खेलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्लस स्मॉल लीग जो है यहाँ पे आप स्मॉल लीग तो आप हर बार विन करोगे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल लीग में भी काफ़ी कंपटीशन कम रहते हैं। यहाँ पे जो है पिछला रूल है, जो ओल्ड रूल ड्रीम इलेवन का था, वह रूल है। ठीक है, 3 बैट्समैन को आपको कंपलसरी है रखना, 3 बॉलर्स को आप बिना रखे टीम बना ही नहीं सकते। ठीक है, और ड्रीम इलेवन पे जो है कोई 10 बॉलर्स को ले रहा है, कोई 10 बैट्समैन को ले रहा है, तो इसमें जो है हाई कंपटीशन हो जा रहा है। ठीक है, विनिंग परसेंटेज वहां पे डाउन हो चुका है और कंपटीशन अधिक हो गया है। ठीक है, तो सबसे बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है विजन 11 पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, रेफर कोड यूज करोगे 500 रुपये का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो गाइस चलिए, इस मैच के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, ये जो मैच है खेला जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में, ये मैच होगा। एवरेज ओवरऑल देखें तो 159-160 के आसपास में आपको यहाँ पे मिलेंगे। बाकी यहाँ पे मैंने 5 मैचेस का डाटा निकाले हैं, जिसमें से पेसर ने 26 विकेट्स निकाले हैं और फर्स्ट इनिंग में 18 तो सेकेंड में 8। ठीक है, पेसर का है। स्पिनर ने यहाँ पे इन 5 मैच में 23 विकेट्स निकाले हैं, जो फर्स्ट में 9 है तो सेकेंड में 14 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट पेसर को 18 में 18 विकेट है, तो फर्स्ट इनिंग में एडवांटेज है, और यहाँ पे स्पिनर को सेकेंड इनिंग में एडवांटेज है। ठीक है, 14 विकेट है सेकेंड में और फर्स्ट में 9, तो आप स्पिनर पेसर दोनों को रख सकते हो, इक्वली हेल्प है। और खास करके आप स्पिनर्स को अधिक ट्राई करेंगे तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखो यहाँ पे स्कोर आपको मैं 2-3 टारगेट यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखो, एक बार आरआर ने यहाँ पे 205 का स्कोर किया है, जो राजस्थान की टीम है, उसको चेज में 170 मिली सीएसके को। ठीक है, लॉस कर गया मैच को। इसी तरह से 154 एक बार, 160 है, ऐसे करके यहाँ पे स्कोर आपको मिलेंगे। एक बार आरआर ने 191 किया था, तो यहाँ पे देखें तो आरआर का जो है होम ग्राउंड है, तो ये मतलब कि अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे गाइस देखो, विन करने के चांस तो थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पे गुजरात की, क्योंकि गुजरात टीम भी काफ़ी स्ट्रांग है,
तो विनिंग चांसेस थोड़ा बन रहे हैं गुजरात की। लेकिन आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये जो ग्राउंड है बैलेंसर होने वाला है, 160 के आसपास में आपको स्कोर मिलेंगे। बाकी यहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प है और बैट्समैन को भी हेल्प है, तो ध्यान देना इसके अकॉर्डिंग टीम क्रिएट करना। और यहाँ पे स्कोर एक बार आप देख सकते हो 205 का है, तो ध्यान देना ठीक है। अब चलिए टीम सिलेक्शन की ओर, वहीं पे हम प्लेयर्स के बारे में बताएंगे कि कौन से प्लेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसको आपको टीम में लेना है। तो देखो इस मैच को हम ओपन कर लिए हैं, क्रिएट टीम पे क्लिक करते हैं। गाइस देखो सबसे पहले हम लोग विकेट कीपर सेक्शन में आएंगे। विकेट कीपर सेक्शन में 3 विकेट कीपर है, ठीक है। तीनों के तीनों जबरदस्त विकेट कीपर है। लेकिन गाइस यहाँ पे आप चाहे तो तीनों के ले सकते हो और चाहे तो यहाँ पे एक को भी ले सकते हो। तो लेकिन यहाँ पे हम लेने वाले हैं बटलर को, ठीक है। बाकी के हम यहाँ से प्लेयर्स ऑलराउंडर्स और बैट्समैन में भी काफी अच्छे प्लेयर है, बॉलर्स को भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एक ही जोस बटलर को यहाँ से ले रहे हैं। बाकी आप चाहे तो संजू सैमसन को भी ट्राई कर सकते हो, विकेट कीपरी प्लस 3 नंबर पे बल्लेबाजी करेगा। विद्यमान शाह है विकेट कीपरी प्लस ओपनिंग है, तो आप देख लेना। बाकी यहाँ पे जोस बटलर को हम ले रहे हैं क्योंकि जोस बटलर ओपनर है, जबरदस्त बल्लेबाज है, बंदा हर मैच में चलता है। लेकिन यहाँ पे 2 मैच से कुछ परफॉर्मेंस निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन इस ग्राउंड पर इसका एवरेज जो है 41 का है, ठीक है। तो इस मैच में चलने का हाइएस्ट चांस है, हम जोस बटलर को रख रहे हैं। बाकी यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में हम सुमन गिल को रखेंगे, काफी जबरदस्त बल्लेबाज है, हर मैच में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है बंदा। लेकिन लास्ट मैच में फ्लॉप रहा है, उससे पहले हर मैच में परफॉर्मेंस किया, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम यशस्वी जायसवाल को रखने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल का यहाँ पे रिकॉर्ड काफी गजब का रिकॉर्ड है, देखो इस ग्राउंड पे 60 का एवरेज है। बाकी यहाँ पे लास्ट मैच में 124 रन का पारी खेल के आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है। उससे पहले 77, 47, 44 इस तरह से पारी हर मैच में खेल के आया है, ठीक है। तो हम दोनों प्लेयर को यहाँ से लेने वाले हैं। बाकी यहाँ पे हम डेविड मिलर को अभी के लिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंपल्सरी है। जब आप वहाँ पे टीम बनाओगे विजन 11 पे, तो ये डेविड मिलर को आपको लेना होगा। चाहे इसके जगह पे आप डेविड पार्डिकल को ले सकते हो। अगर आप चाहते हो इसको छोड़ दे, तो यहाँ से आप संजू सैमसन को उठा सकते हो। तो सारी सिचुएशन हमने यहाँ पे बता दिया। स्मॉली की टीम है गाइस, मैं स्मॉली की टीम यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। बाकी जीएल का टीम आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस देखो अश्विन को हम लेने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अश्विन को चाहे तो आप जीएल के टीमों में ड्रॉप भी कर सकते हो, खास करके देखो इसका रीजन क्या है। तो यहाँ पे अश्विन जो है ऑफ स्पिनर गेंदबाज है, ठीक है। इसके ऑपोजिट में यहाँ पे गुजरात के टीम में आप देखो यहाँ पे एक हो गया आपका डेविड मिलर, ठीक है, डेविड मिलर। इसके बाद में राहुल तेवतिया, बस दो ही जो प्लेयर है वो लेफ्टी है। अश्विन लेफ्टियों के सामने बॉलिंग डालता है तो उसे आउट करता है। बाकी यहाँ पे इसके ऑफ स्पिन के खिलाफ जो है यहाँ पे राइट हैंडर अच्छे से खेल लेता है, ठीक है। तो अश्विन को थोड़ी सी विकेट मिलने की चांसेस कम है, लेकिन हम इस बॉलिंग में रिस्क नहीं लेना चाहते। अश्विन जो है यहाँ पे स्पिनर है और इस ग्राउंड पे स्पिनर को हेल्प है, ठीक है। तो हम अश्विन को भी ले रहे हैं। बाकी यहाँ पे हार्दिक पांड्या को ले रहे हैं, हार्दिक पांड्या जबरदस्त बल्लेबाज है। पिछले मैच में देखो काफी जबरदस्त इनिंग खेल के आया हुआ है। और इसके अलावा यहाँ पे उससे पहले भी 26 रन का है पारी, इससे पहले 13 रन, 66 रन, ऐसे करके काफी बढ़िया मतलब कि बैकअप हो गया है पांड्या को। इम्पोर्टेंट है, बॉलिंग बैटिंग दोनों जगह से बेनिफिट देगा, और सबसे इम्पोर्टेंट तो है ये वन डाउन बल्लेबाजी करने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पांड्या को भी लेने वाले हैं। इसके बाद में होल्डर को हम ले रहे हैं, अभी होल्डर को ही ले रहे हैं। देखो होल्डर जो है बैटिंग से तो आप उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि बैटिंग जो है इसका काफी डाउन है। बाकी यहाँ पे बॉलिंग से आप पूरी उम्मीद लगा सकते हो। इस ग्राउंड पे इन्होंने 3 मैचेस खेले, तीनों में विकेट्स निकाले हैं, ठीक है। तो देख लेना बॉलिंग से, खास करके हम बॉलिंग की वजह से ही हम यहाँ पे होल्डर को ले रहे हैं, नहीं तो इसको ड्रॉप कर दे रहे, ठीक है। इससे अच्छा आप यहाँ पे चाहते हो कि गुजरात विन करेगा, तो आप विजय शंकर को ले लेना, 2 डाउन बल्लेबाजी करेगा, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा है, तो फिर आप देख लेना। बाकी यहाँ पे हम अभी होल्डर को ही ले रहे हैं। और यहाँ से बॉलिंग सेक्शन में युजवेंद्र चहल को देखो, 49% सिलेक्शन है, कोई भी मतलब कि 100 में से 50 लोग ही इसको ले रहे हैं।
लेकिन हम इस मैच में लेने वाले हैं। देखो काफी जो है विकेट लेस जा रहा है, देखो बंदा काफी अच्छा बॉलर है लेकिन विकेट लेस जा रहा है, इसके कारण इसका जो है सिलेक्शन परसेंट कम है। लेकिन इस मैच में हो सकता है कि आपको विकेट्स निकाल के दे दे, ठीक है। ट्रेंट बोल्ट को लेने वाले हैं, ट्रेंट बोल्ट क्वालिटी फास्ट बॉलर है, विकेट टेकर गेंदबाज है, हर मैच में पावर प्ले में ही विकेट निकाल रहा है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे रशीद खान को लेने वाले हैं, रशीद खान जो है लेग ब्रेक गूगली गेंद गेंदबाजी करता है, ठीक है। गुजरात के टीम से अभी जो है रशीद खान सबसे बेस्ट बॉलर है, गूगली गेंदबाजी करता है, इम्पोर्टेंट है। और सामने वाला टीम में देखो काफी लेफ्ट हैंडर, पूरे के पूरे लेफ्ट हैंडर है, एक बटलर को छोड़ दो और संजू सैमसन को छोड़ दो, ठीक है। तो देखो रशीद खान जो है लेफ्टियों को बहुत जल्द आउट करता है, ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे राइटियों को भी आउट कर देता है, तो देख लेना रशीद खान इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, लेकिन जेल में तो हम कैप्टन बनाएंगे ही। और यहाँ पे इसके अलावा मोहम्मद शामी को लेने वाले हैं। देखो गाइस मोहम्मद शामी भी काफी अच्छा विकेट टेकर गेंदबाज है, फास्ट गेंदबाजी करता है, हर मैच में बंदा विकेट ले रहा है, और सिंगल विकेट कभी नहीं, कभी दो, कभी तीन, कभी दो, कभी चार, ऐसे करके विकेट ले रहा है, ठीक है, तो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है मोहम्मद शमी। बाकी यहाँ पे नूर अहमद है, लेफ्ट आर्म चाइना मैन, इसको आप ट्राई कर लेना जीएल में। संदीप शर्मा भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, मोहित शर्मा भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे जीएल के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जोशुआ लिटल है, ठीक है, ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो, एक ऑलराउंडर होल्डर को कम करके यहाँ पे जोशुआ लिटल को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जोशुआ लिटल जो है यहाँ पे आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए नजर आएगा, डेथ में भी बॉलिंग करेगा, और इसके अलावा यहाँ पे मतलब कि पावर प्ले डेथ में बॉलिंग कर ही देगा, मिडिल ओवर में एक आध ओवर करके आएगा, ठीक है, देख लेना जोशुआ लिटल को भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अभी जो है यहाँ पे टीम क्रिएट हो चुका है, अब इसमें हम कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करने वाले हैं। तो देखो गाइस यहाँ से हम कैप्टन सीधे बनाने वाले हैं इस मैच में अभी बटलर को, ठीक है, इसके बाद में वाइस कैप्टन हम यहाँ से यशस्वी जायसवाल को ही बनाने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस देखो अभी जो है टीम कुछ इस तरह से रहने वाली है, ऑलमोस्ट अभी के लिए फाइनल टीम है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस करते हैं उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बाकी जो जीएल का टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, मन में कोई डाउट हो आप नीचे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो।